नमस्कार मित्रों, सुप्रभात, नमो नमः। मैं हेमराज सिंह राठौड़ आप सभी का जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। साथियों, अपन ने पिछली कक्षा में प्रमुख व्याकरण के बारे में अध्ययन किया था, तो उसमें से आपको मैंने कहा था कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के बारे में विशेष तौर से अध्ययन करें। मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। मित्रों, आज का प्रकरण रहेगा अपना माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र तो मित्रों, अपन ने पहले अध्ययन किया था पिछली कक्षा में कि अपनी जो संस्कृत व्याकरण की रचना हुई है वो किस प्रकार से हुई है। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि पाणिनीय शिक्षा या फिर माहेश्वरी शिक्षा। तो उसमें अपन ने देखा था कि भगवान महेश के द्वारा 14 सूत्र प्राप्त हुए पाणिनि को, और पाणिनि ने क्या कर दी थी, उन 14 सूत्रों की सहायता से संस्कृत व्याकरण की रचना। तो मित्रों, ये माहेश्वर सूत्र वही है अपन जिसकी बात करें। देखिए क्या, महाधन ईश अनप्रत्यय जुड़ेगा तो ऐका हो जाएगा आ और हो जाएगा मा, संधि हो जाएगी गुण, और महान च असौ ईश, मान चासौ ईश। समास की बात करें तो समास हो जाएगा आपके कर्मधारय समास। ठीक है मित्रों, तो माहेश्वर सूत्र यानी महेश के द्वारा प्रदान किए गए सूत्र। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है मित्रों, कितने थे महेश्वरी सूत्र, 14। 14 को संस्कृत में कहेंगे अपन चतुर्दश। चतु हो प्लस 10, चतु हो यानी 4 और 10 14। तो महेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है, चतुर्दश अर्थात 14। देखिए मित्रों, जो 14 सूत्र है एक बार देख लेते हैं अपन। यानी आयु वर्ण रीरी का ए ओ अंग आय ओ च हाय वार ट लण। ज भ य ग ड द स ज ब ग ड द स क प य श श श र। एक सेकेंड, एक मिनट, सॉरी। यानी कि एक बार देख लेते हैं, आयुणा रिरिक ए ओंग आय औ च हय
हयवर ट लण य म ग ण न म झ भ य ग ढ ध श ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र ह ल। ये 14 अपने मित्रों क्या है माहेश्वरी सूत्र। देखिए एक बार अ ई ओ ण री लि क ए ओ ङ ऐ औ च ह य व र ट ल ण य म ङ ण न म ज भ य ग ढ ध श ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ। क्या मित्रों ये थ। थ च ट त व क प य ष ष स र ह और ल। तो मित्रों ये 14 ही है अपने माहेश्वर सूत्र। तो अपन बार बार करें कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं 14। तो 14 ही इस प्रकार माहेश्वर सूत्र। मित्रों ऐसे आपको याद नहीं करने हैं, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी हो तो परेशान नहीं होना है। देखिए मित्रों एक बार बात करते हैं इनके बारे में क्या है। देखिए कितने माहेश्वर सूत्र है, 14 माहेश्वर सूत्र है। अब इसमें से देखना अपन को मित्रों अपनी जो वर्णमाला पढ़ेंगे, अपन वर्ण विचार पढ़ेंगे तो सारे इनसे बनने वाले हैं। तो अपन को एक बार यहां समझना है, दूसरी बार पुनः अपन और अध्ययन करेंगे उनमें पढ़ेंगे, तो यहां अगर अपन ने ठीक प्रकार से समझ लिया तो बाद में समस्या आने वाली नहीं है। देखना मित्रों एक बार इसमें जो अंतिम वर्ण है, इसमें जो अंतिम वर्ण है वो इत्संज्ञक वर्ण है। अंतिम वर्ण इत्संज्ञक वर्ण अर्थात इसकी इत संज्ञा होती है, मूल ऐसे अपन बोलते व्यवहार में संज्ञा, तो इनकी इत संज्ञा पढ़ेंगे अपन। इत संज्ञा का मतलब लोप क्या होता है आगे अध्ययन कर रहे हैं। तो मित्रों इनके अंतिम वर्ण जो थे वो इत संज्ञक है, ठीक है, यानी इनका लोप हो जाता है, इनको नहीं माना जाता है। यानी भगवान महेश के द्वारा जब प्राप्त हुए थे तो ये अंतिम वर्ण सारे जो है वो नहीं थे, बाद में जोड़ा इनको। तो पढ़ेंगे अपन एक बार समझ लेते इनके बारे में। तो देखिएगा मित्रों अ ई उ रि लि ए ओ ए औ, ठीक है। तो कहने का मतलब अपन समझते हैं, यानी अ ई उ रि लि ए ओ ए औ, इसमें अपन देख रहे हैं ना मित्रों, तो ध्यान में आ रहा है अपन को, यानी इसमें अपन देख रहे हैं तो ध्यान में आ रहा है कि ये सारे ही स्वर है। क्या है स्वर, और संस्कृत में अभी बताएंगे अपन भाई प्रत्याहार क्या होता है। तो ये एक अच प्रत्याहार है। क्या है मित्रों, अच प्रत्याहार। अभी अपन प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। तो अ ई उ रि लि ए ओ ए औ, है ना, कुल कितने हो गए मित्रों, तो 9। कुल कितने हैं 9। तो अपन को यहां थोड़ा ध्यान रखना है कि अच कितने हो रहे 9, बाद में काम आएंगे जब अपन वर्ण विचार पढ़ेंगे उस समय, केवल यहां से अपन माहेश्वर सूत्र को समझ रहे हैं। तो अच कितने हैं 9, यानी ये सारे इसमें देख रहे हैं तो क्या है मित्रों स्वर है। क्या है मित्रों, ये सारे ही अपने स्वर आ रहे हैं, यानी अच है मतलब क्या आ रहे हैं, सारे स्वर। अपन पढ़ते हैं ना संस्कृत में कि स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है, उसका कारण क्या है, स्वर मतलब अच, अच में सारे क्या आ रहे स्वर, इसलिए तो स्वर को अच कहते हैं, ठीक है। तो पहले जो चार सूत्र है, प्रथम के जो चार सूत्र है मित्रों किससे संबंधित हो गए, स्वर से, यानी कि अ ई उ रि लि ए ओ ए औ, यहां है ना। तो यहां तक अपने सारे स्वर है, तो प्रथम चार जो सूत्र है मित्रों वो किससे संबंधित है, स्वरों से। और अंतिम शेष कितने रहे मित्रों, 10 सूत्र। अब इसमें अपन देख रहे हैं ना ये सारे जो वर्ण है, ये सारे जो वर्ण है मित्रों ये क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है, हल है। क्या है मित्रों, हल है। इसीलिए अंतिम जो 10 सूत्र है,
क्या है मित्रों, अंतिम दस सूत्र किससे संबंधित, हल या व्यंजनों से संबंधित। यानी कि अंतिम दस सूत्र व्यंजन या हल से संबंधित और प्रथम के जो चार सूत्र है वो किससे संबंधित हो गए, आपके स्वरों से संबंधित। तो देखना उसके बाद है ना, अब य व र ल, यानी य व र ल, ये जो वर्ण है ना इनको कहा जाता है मित्रों अंतस्थ वर्ण। क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण। जब अपन वर्ण विचार पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। केवल अभी आपको याद रखना है कि य व र ल ये क्या है, अंतस्थ वर्ण है। और अंतस्थ क्या होते पढ़ेंगे, तो कितने हो गए मित्रों, चार अंतस्थ वर्ण। कौन कौन से? य व र और ल। ठीक है मित्रों, उसके बाद अपन देखते हैं य म ग ण और न, पांचों ही। यानी कि ये पंचम वर्ण है, यानी वर्गों के अंतिम अक्षर, या इन्हें कहा जाता है नासिक्य अथवा अनुनासिक वर्ण, यानी नाक की सहायता से उच्चारित होने वाले। हिंदी में पांच वर्ग होते हैं, क च ट त प, ये वर्ण विचार पढ़ेंगे अपन। तो य म ग ण न कौन से वर्गों के पंचम वर्ण, और इन्हें कहा जाता है नासिक्य या अनुनासिक वर्ण। ठीक है मित्रों, उसके बाद ज भ ग ड और ध। मित्रों ये चारों ही जो वर्ण है, पांचों ही, यानी ज भ ग ढ ध, ये वर्ग के कौन से अक्षर है, चौथे अक्षर है। कौन से अक्षर है मित्रों? वर्गों के चतुर्थ अक्षर। वर्गों के चतुर्थ अक्षर, देखो सबसे पहले क्या आया, अच स्वर, उसके बाद अंतस्थ, इसके पश्चात वर्गों के पंचम वर्ण नासिक के अनुनासिक, उसके बाद चतुर्थ, अब ज ब ग ड द, यानी वर्ग के ये कौन से हैं, तृतीय अक्षर। वर्गों के कौन से अक्षर मित्रों, ये तृतीय, यानी पहले पंचम फिर चतुर्थ अब तृतीय, और इन्हीं को कहा जाता है आपके, ये प्रत्याहार का बारे में जानते हैं तो ये आपके हैं जस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? जस प्रत्याहार। ठीक है मित्रों, प्रत्याहार के बारे में जानेंगे अभी अपन। तो ज ब ग ड द वर्गों कौन से अक्षर हो गए, आपके तृतीय अक्षर। ठीक है, उसके बाद ख फ छ ठ थ, ये वर्गों के द्वितीय अक्षर। कौन से अक्षर मित्रों? वर्गों के द्वितीय अक्षर। ठीक है, इसके बाद च ट त और क प, यानी च ट और त क प, ये है आपके वर्गों के प्रथम अक्षर। ठीक मित्रों, वर्गों के प्रथम अक्षर। अब श श श है, ये है आपके ऊष्म वर्ण। कौन से मित्रों? ऊष्म वर्ण। तो इस प्रकार ये पूरी आपके वर्णमाला आ रही है। तो जब अपन वर्ण विचार पढ़ेंगे इसके बाद में तो ध्यान में रखना। देखो महेश सूत्र है कितने हैं, 14। इनसे जो प्रश्न बनने वाले हैं मूल वो अपन लिखेंगे एक बार। अभी अपन को केवल 14 ही महेश सूत्रों को समझना है कि इनका क्या उपयोग है, क्या काम में आएंगे। तो ध्यान में करना मित्रों, महेश सूत्र कितने पढ़े थे अपन ने, 14। कितने हैं? 14। ठीक है, प्रथम के जो चार सूत्र है, प्रथम के जो चार सूत्र है वो किससे संबंधित है, अपने स्वर से अर्थात अच। और कितने वर्ण आएंगे इसमें? 9। तो कहने का मतलब अच कितने हो गए? 9। अब स्वर के बाद क्या आया? अंतस्थ वर्ण। कितने हैं? 4। मित्रों इनका क्रम ध्यान रखना आप, अभी नीचे लिखेंगे अपन। यानी अंतस्थ वर्णों का क्रम हिंदी में अलग होता है, हिंदी में होता है अपने य र ल व, परंतु यहां ऐसा नहीं है संस्कृत में, अपन य व र और फिर ल, यानी सही क्रम ध्यान में रखें आप, य व र और ल। ठीक है, और इसके बाद
वर्गों के पंचम वर्ण, नासिक के या अनुनासिक, पंचम के बाद चतुर्थ, चतुर्थ के बाद तृतीय, तृतीय के बाद द्वितीय, और द्वितीय के बाद प्रथम, और अंत में है आपके उष्म वर्ण। इस प्रकार चार सूत्र, प्रथम के चार जो सूत्र हैं वो स्वरों से संबंधित है, अच्छे संबंधित हैं, और अंतिम जो दस सूत्र है, अंतिम जो दस सूत्र है मित्रों, वो आपके किससे संबंधित है, व्यंजन वर्ण से संबंधित। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब देखना अपन इसमें से कुल अपने अच कितने हो गए, नौ, कुल कितने हो गए अपने नौ। ठीक है, और अब शेष ये अपने क्या रह गए, व्यंजन वर्ण। तो मित्रों यहां है वर्ण, एक जगह यहां पे आ रहा है और एक ये है, यानी कि है वर्ण का दो बार उपदेश हुआ है, वर्ण का दो बार उपदेश हुआ है दोनों में अलग अलग के लिए। ठीक है, और एक हण वर्ण है, हण और एक लण सूत्र में है आपके अण, इसका दो बार पाठ किया गया है। मित्रों यहां ल जो है, यहां ल जो है, यहां ल की भी संज्ञा की और ए निकाला है यहां पे मित्रों, क्या निकाला है, ए, बाकी सब में नहीं है, अपने जो अंतिम वर्ण है उसकी संज्ञा हो रही है ए में, ए इसमें से यह है तो नहीं, यहां ल से भी ए निकाला है, अनुदित सामान्य चाप्रत्यय सूत्र, और क्योंकि एक तो आपके अण प्रत्यार ए ई ऊण है यहां, इनकी बात करें तो, और एक है आपके ऐसी याद के अण तक, तो यहां जो ल में भी क्या निकाला है ए, इसलिए कुल इत्संज्ञक वर्णों की अगर अपन बात करें, अंतिम जो है इत्संज्ञक वर्णों की बात करें तो 14 तो 14 सूत्रों के पीछे और एक जुड़ जाएगा आपके ए, इस प्रकार कुल कितने इत्संज्ञक वर्ण हो जाएंगे मित्रों, 15, कितने हो जाएंगे 15। तो ये तो थे अपने क्या मित्रों, माहेश्वरी सूत्र। तो इनसे प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, जो थोड़ा देख लेते अपन, मित्रों देख एक बार समझना अपन को, सबसे पहले इनका सही क्रम ध्यान रखना है, सही क्रम यानी इनका सही क्रम किस किस का पूछा भी गया है, अंतस्थ वर्णों का, किनका, अंतस्थ वर्णों का। तो अंतस्थ वर्णों का सही क्रम क्या हो जाएगा, य व र और ल, य व र ल, ध्यान में रखना है य र ल व नहीं है, हिंदी में य र ल व होता है और अपने क्या है, य व र ल। उसी प्रकार ये तो आपके कौन से, अंतस्थ वर्ण। ठीक है, और दूसरा है आपके श श श है, ये उष्म वर्ण। ठीक है, उच्चारण स्थान में पढ़ेंगे, तीनों का उच्चारण भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो अपन को यहां केवल सही क्रम ध्यान में रखना है। तो सही क्रम में अंतस्थ वर्णों का यवरल और उस वर्णों का श श श है, पहले तालव्य श, फिर मूर्धन्य, उसके बाद दंतव्य और हकार। ये तो हो गया मित्रों इनका आपके सही क्रम। अब मित्रों ये जो अपने माहेश्वरी सूत्र है किस काम आएंगे, तो इनसे निर्माण होगा प्रत्याहारों का, किसका निर्माण होगा मित्रों, प्रत्याहारों का, यानी इनसे क्या बनेंगे अपने, प्रत्याहार बनेंगे। देखिए मित्रों प्रत्याहार क्या होता है, ऐसे सूत्र आपको याद नहीं करने हैं, आदि रंतेन, आदि रंतेन संहिता, तो यहां संधि विच्छेद हो जाएगा, आदि ही प्लस अंतेन, आदि ही प्लस अंतेन, ऋतुशक्षण होगी, तो आदि का मतलब होता प्रारंभिक उपदेश अवस्था पहला, जैसे माना कि यहां अपने यहां बात करें तो आदि कौन सा हो गया, श्य या है। ठीक है, और अंतेन मतलब अंतिम, जैसे माना कि र, ये दोनों को जोड़ना, आदि प्रारंभिक अंतेन यानी बाद वाला, दोनों को जोड़ना और जोड़ करके जिसका निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा मित्रों, प्रत्याहार। ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, आदिरंतेन संहिता, और प्रत्याहार का अर्थ करें तो होता है मित्रों आपके क्या, छोटा रूप, लघु रूप, संक्षेप। ठीक है, तो प्रत्याहार बनाते कैसे हैं, थोड़ा अपन सीखते हैं। देखिए जैसे मित्रों अपन बात करते हैं अक प्रत्याहार, क्या है मित्रों,
अक् प्रत्यार। अब देखिएगा, अपन ने पढ़ा कि आदिर अंत्यन संहिता, आदि प्लस अंत्य, आदिर अंत्यन, आदि का मतलब प्रारंभिक। तो यहां अपना जो है, यहां प्रारंभिक वर्ण कौन सा है अक् प्रत्यार में? ए। अंतिम वर्ण कौन सा है मित्रों? के। तो कहने का मतलब आदि प्रारंभिक, अंतिम अंतिम, दोनों को जोड़कर के और इनके मध्य में जितने भी वर्ण हैं उनको मिलाने से जिसका निर्माण होगा वो क्या होगा? प्रत्यार। तो मित्रों अपन ने दीर्घ संधि भी पढ़ी होगी और पढ़ेंगे, अकह सवर्ण दीर्घ, अक प्रत्यार के सभी वर्ण क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। तो मित्रों देखिए, प्रत्यार बनाने के लिए अपन को सबसे पहले प्रारंभ कहां से करना है? ऐसे। कहां से करना है? ऐसे। तो आदि वर्ण कौन सा हो गया आपके? ए। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? ई, फिर उ, और जो अंतिम वर्ण है ना जिस पे अपन ने राउंड कर रखा है ये इत्संज्ञक वर्ण है। अपन पढ़ेंगे इत्संज्ञक क्या होता है, लोप हो जाता है इनका, यानी कि ये अपने गाड़ी के स्टेशन है, यहां तक कि अपन को चलना है रुकना है। तो अपन प्रत्यार बना रहे हैं कहां से कहां तक? अक, अक प्रत्यार है ना अपना, प्रारंभ कहां से करना? देखो अ आएगा, उसके बाद ई, फिर उ, है ना, को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अपना स्टेशन है ही नहीं, यहाँ उतरना ही नहीं अपन को, चलने दीजिए आगे, फिर री, उसके बाद ली, और क्या आ गया? अपना स्टेशन आ गया मित्रों, तो रुक जाइए। तो कहने का मतलब यहां ऐसे लग करके कहां तक? ऐसे लग करके ली तक, यानी अ ई उ री ली। देखो अपन ने कहा प्रत्यार का सूत्र आधेर अंत्य ने संहिता, आदि का मतलब प्रारंभ, अंत्य ने नहीं अंत वाला, तो अक की बात कर रहे हैं तो अ प्रारंभिक आदिवर्ण और क अंत में, तो यहां अपना स्टेशन है तो रुकना है, तो अ हो गया, फिर ई उ, है स्टेशन नहीं है, इत्संज्ञक वर्ण है, नहीं जोड़ा जाएगा इसको, हटा दिया, फिर री और री और क आ गया। तो कहने का मतलब अक प्रत्याहार की बात करें तो अपने वर्ण कौन कौन से हो जाए मित्रों? अ ई उ री और ली, ये बन गए आपके कौन सा प्रत्यार? अक प्रत्यार। ठीक है मित्रों, उसी प्रकार समझते हैं अपन, और अपन बात करते हैं जैसे अच प्रत्यार, कौन सा प्रत्यार मित्रों? अच प्रत्यार। ठीक है, अब अच प्रत्यार है तो अच में प्रारंभिक वर्ण कौन सा है? जैसे अपन बात करते हैं अच प्रत्यार, जैसे बात करते हैं अपन किस अच प्रत्यार की, मैं तो देखना समझना, अच आदि वर्ण कौन सा है? ए। अंतिम वर्ण कौन सा है? च। तो अपन को प्रारंभ कहां से करना है? ऐसे, तो क्या हो जाएगा? ए, उसके बाद ई, फिर उ, उसके बाद ण जो है, क्या ये अपना स्टेशन है? नहीं है, नहीं रुकना है, आगे चलिए, फिर री, और उसके बाद री, फिर ए ओ आए आओ और च, च अपना स्टेशन आ गया, रुक जाइए। तो कहने का मतलब ऐसे लेकर के आओ तक, ये जो बने वर्ण यानी ये आदि वर्ण और प्रारंभिक अंतिम में रुक गए अपन, तो ये कौन सा प्रत्यार बना अपने? अच प्रत्यार, यानी कि अच प्रत्यार है। अच प्रत्यार में सभी वर्ण क्या है? स्वर है। अपन इसीलिए तो संस्कृत में स्वर संधि को अच संधि कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, क्योंकि सारे क्या है? व्यंजन वर्ण है। इन नौ ये हो गए, 33 ये होंगे अपने, पूरी वर्णमाला है इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको थोड़ा थोड़ा प्रत्यार का निर्माण करना तो आ ही गया होगा। ऐसे मित्रों प्रत्यार बनना पूछता है नहीं गया है ना, केवल अपन को ध्यान में रखना है। तो इसी प्रकार अपन बात करते हैं वृद्धि संधि में, तो वृद्धि संधि में अच प्रत्यार होता है। कौन सा प्रत्यार? जैसे माना कि अपन को बनाना है अच प्रत्यार, कौन सा प्रत्यार बनाना है? अच। तो अच प्रारंभिक आदिवर्ण, ए कहां से प्रारंभ करना है? ऐसे, उसके बाद क्या है? आओ, फिर स्टेशन आ गया क्या? हाँ अच्छा आ गया, तो ये हो गया आपके अच, इसलिए अपन कहते हैं वृद्धि दो मात्रा। तो ध्यान में आ गया आपको प्रत्यार बनाना, तो आदि रंतेन संहिता यानी आदि और अंतिम वर्ण को जोड़ने से, वर्णों को मिलाने से जिसका निर्माण होता है वो मित्रों क्या होता है? आपके प्रत्याहार। तो इस प्रकार अपने ये प्रत्याहार का काम पूर्ण हो गया है। प्रत्याहार बनाना आपको आ ही गया होगा।
अब इनसे अपने जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो पढ़ते हैं उसके बारे में देख। ठीक है मित्रों, तो बात करते हैं सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है। चतुर्दश है, तो ध्यान में क्या संस्कृत में भी चतुर्दश यानी 14 है। तो पहला प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा याद रखना, यानी पूछ सकता है कि कति माहेश्वर सूत्राणि संति, कितने माहेश्वर सूत्र है। तो मित्रों ध्यान में रखना है कितने अपने 14 है। ठीक है, 14 क्या है माहेश्वर सूत्र, यानी कि ये जो माहेश्वर सूत्र है किनसे प्राप्त हुए, भगवान महेश अर्थात शिव से, इसलिए तो इसे नाम दिया है माहेश्वर सूत्र। तो कहने का मतलब भगवान महेश अर्थात शिव, तो भगवान महेश के द्वारा, भगवान महेश के द्वारा प्राप्त होने के कारण, भगवान महेश के द्वारा प्राप्त होने के कारण इन्हें इन्हें माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है। तो मित्रों ये जो माहेश्वरी सूत्र थे वो किनसे प्राप्त हुए थे, भगवान महेश अर्थात शिव, डमरू बजाया और पाणिनि ने तपस्या की, तो भगवान महेश के द्वारा प्राप्त होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, तो माहेश्वरी सूत्र। ठीक है, एक नंदीकेश्वर काशिकावर्ती ग्रंथ है अपने, कौन सा है नंदीकेश्वर काशिकावृत्ति, इसमें लिखा है नृतावसाने नटराज राजाओ, नृतावसाने नटराज राजाओ ननाद डक्काम नौ पंचवार। बात देखना, यानी नंदीकेश्वर काशिकावर्ती ग्रंथ है, इसमें लिखा है कि नृतावसाने, देखिए मित्रों नृत प्लस अवसाने संधि हो जाएगी, नृत प्लस अवसाने नृतावसाने, नटराज राजा है उत्तीसक संधि हो जाएगी, नट के राजाओं के राजा अर्थात शिव, ननाद यानी बजाया, ननाद यानी बजाया, डक्काम यानी डमरू को, डक्काम यानी डमरू को, नव यानी नौ और पंच यानी पांच, कितनी बार 14 बार। तो मित्रों नंदीकेश्वर काशिकावृत्ति ग्रंथ है, इसमें लिखा है कि नृत्य यानी नृत्य, नृत्य का मतलब नृत्य और अवसान का मतलब होता है समाप्ति, अवसान का मतलब क्या होता है समाप्ति, याद रखना आगे भी काम आएगा। तो नंदीकेश्वर काशिकावृत्ति ग्रंथ में लिखा है कि भगवान शंकर ने, किन्होंने, भगवान शंकर ने नृत्य की समाप्ति पर, भगवान शंकर ने नृत्य की समाप्ति पर डमरू को 9 और 5 कितने 14 बार बजाया, अर्थात भगवान महेश ने, भगवान शंकर ने डमरू को 9 और 5 14 बार बजाया, और 14 ही बार बजाने से 14 सूत्र निकले, यानी भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है माहेश्वरी सूत्र। तो कहने का मतलब है ना, भगवान शंकर के डमरू से हमें ये माहेश्वरी सूत्र प्राप्त हुए थे। ठीक है मित्रों,
फिर ये सूत्र प्राप्त किए किसने थे? यानी पाणिनि ने, किन्होंने? पाणिनि ने भगवान शिव के, भगवान शिव के आशीर्वाद से ये सूत्र प्राप्त किए थे। यानी पाणिनि ने तपस्या की और तपस्या करके भगवान शंकर से ये 14 सूत्र क्या किए थे? प्राप्त किए थे। ठीक है मित्रों, संख्या कितनी हो गई? 14 है। किनसे प्राप्त हुई है? शंकर से। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? माहेश्वरी सूत्र। ठीक है, और माहेश्वरी सूत्रों को, माहेश्वरी सूत्रों को शिव सूत्र जाल, और संस्कृत में बात करें जालम, शिव सूत्र जालम। तो माहेश्वरी सूत्रों को शिव सूत्र जाल, यानी शिव के सूत्रों का जाल, वर्ण समन्वय, वर्ण समन्वय या अक्षर समन्वय, वर्ण समन्वय या अक्षर समन्वय भी कहा जाता है। यानी माहेश्वरी सूत्रों का और नाम क्या मिलता है? माहेश्वरी सूत्र और शिव सूत्र जालम, वर्ण समन्वय या फिर अक्षर समन्वय, यानी शिव के सूत्रों का जाल। यानी इसमें सभी वर्णों का समावेश है, स्वर भी है, व्यंजन भी है ना, सारे इसके अंदर है। इसलिए इन्हें वर्ण समन्वय या अक्षर समन्वय भी कहा जाता है। तो माहेश्वरी सूत्र कितने थे? 14। किनसे प्राप्त हुए? भगवान शंकर से। किन्होंने प्राप्त किए थे? पाणिनि ने। ठीक है, फिर पर हम बात करते हैं मित्रों इनकी। तो ये माहेश्वरी सूत्र जो है, इनमें जो अंतिम वर्ण है, अपन बार बार बात कर रहे हैं इत्संज्ञक वर्ण, तो वो अंतिम वर्ण भगवान शंकर से प्राप्त नहीं हुए थे, बाद में उनको जोड़ा गया है पाणिनि के द्वारा। किन्होंने जोड़ा मित्रों? पाणिनि ने। क्यों जोड़ा? इन प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए। अगर ये अंतिम वर्ण नहीं होते हैं, अगर स्टेशन नहीं होता तो गाड़ी चलती रहती, तो भगवान शंकर से ये प्राप्त नहीं थे, बाद में पाणिनि ने प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए इनको जोड़ा। तो कहने का मतलब माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम इत्संज्ञक, अंतिम इत्संज्ञक वर्ण माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम इत्संज्ञक वर्ण शिव से प्राप्त नहीं हुए थे, इन्हें बाद में पाणिनि द्वारा, किसके लिए? पाणिनि द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए जोड़ा। मित्रों ध्यान में आया होगा कि जो माहेश्वरी सूत्र है, इन्हें अपन देख लेते एक बार। यानी पर बात कर रहे हैं मित्रों अभी इनके, यानी कुल माहेश्वरी सूत्र तो कितने हैं? 14। तो ये अंतिम ये वर्ण है ना, अण
ये अंतिम वर्ण जो है ऐसे कितने हैं, 15, क्योंकि ल में भी एक ही संज्ञा की है उपदेश अजुनासिक से, ठीक है, तो ए निकला। तो इस प्रकार कुल वर्ण ये तो कितने हो गए, 15 हो गए इत्संज्ञक वर्ण। तो ये अंतिम जो वर्ण थे ना, ये भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त नहीं हुए थे, बाद में इनको जोड़ा। किन्होंने जोड़ा, मैं पाणिनि ने। क्यों जोड़ा, इस प्रकार प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए। अगर चयन नहीं होता तो अपन कहां तक चलते, स्टेशन। तो पाणिनि ने प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए इन अंतिम इत्संज्ञक वर्णों को जोड़ा, ठीक है मित्रों। ध्यान में आ गया, माया सूत्रों के अंतिम इत्संज्ञक वर्ण शिव से प्राप्त नहीं हुए थे, बाद में किनके द्वारा, पाणिनि के द्वारा, किसके लिए, प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए जोड़ा, ठीक है। फिर माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्णों की, अपन बार बार बात कर रहे हैं ना, माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्णों की इत्संज्ञा, शब्द रूप इत्संज्ञा ज और ये है ना ज्ञ, बाकी अपन व्यवहार में बोलते हैं संज्ञा। तो माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्णों की इत्संज्ञा होती है, इत्संज्ञा होती है। इत्संज्ञा का अर्थ, इत्संज्ञा का अर्थ लोप होता है, ठीक है मित्रों। यानी माहेश्वर जो सूत्र है उनके अंतिम वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है मित्रों, इत्संज्ञा। इत्संज्ञा का मतलब क्या होता है, लोप, ठीक है। इत्संज्ञा मतलब लोप, लोप शब्द का अर्थ, लोप शब्द का अर्थ, लोप शब्द का अर्थ अदर्शनम लोप है, लोप शब्द का अर्थ अदर्शनम लोप है होता है, लोप शब्द का अर्थ अदर्शनम लोप है होता है। मित्रों ये प्रश्न अपने रिट में पूछा गया था, यानी कि लोप शब्द का अर्थ है, लोप इति शब्दस्य अर्थ अस्ति, तो लोप शब्द का अर्थ है तो क्या हो जाएगा, अदर्शनम लोप है। इस सूत्र से देखो, न दर्शनम इति, न दर्शनम इति, न तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो दिखता नहीं है, दर्शनम दृश प्लस लुट, लुट प्रतिप है, जो दिखाई नहीं देता है वो क्या है मित्रों, लोप, अर्थात नष्ट होना इसका अर्थ नहीं है, यानी होता तो है परंतु अपन को दिखता नहीं है। अपन जैसे ईश्वर के बारे में कहते हैं कि ईश्वर नहीं है क्या, है, अपन देखा नहीं देखा, तो कहने का मतलब होता तो है परंतु हमें दिखता नहीं है, तो अदर्शनम लोप है, जो दिखता नहीं है वो क्या है, लोप। देखिए मित्रों अपन समझने के लिए जैसे बात करता हूं, जैसे डू क्री ये एक धातु है, पढ़ा अपन ने फर्स्ट में पहली क्लास में है ना, संस्कृत शब्द में। तो कहने का मतलब मित्रों ऐसी धातु अगर मैं कहूं देखा तो अपन को जानकारी है तो अपन कहते हैं हाँ डू क्री ये धातु देखी, परंतु अपन क्या करते हैं इनको नहीं देखते हैं, यानी डू और ये क्री धातु क्या, क्री देखी, हाँ बिल्कुल देखी। तो कहने का मतलब ये मूल डू क्री यह है, होता तो है परंतु इनको क्या कर दिया, लोप कर दिया, हटा दिया, संज्ञा कर दे इनकी, तो होता तो है परंतु दिखता नहीं है। उसमें क्या धातु होती है एक आपकी ई भी, कौन सी धातु है मित्रों, ई भी। अगर मैं कहूँ ई भी तो अपन एक बार सोचते ई भी क्या, यानी अगर मैं कहता हूँ ई नहीं है केवल भी धातु, हाँ भी यानी भय डर है ना। तो कहने का मतलब होता तो है परंतु हमें नजर नहीं आता, हमें दिखता नहीं है। जैसे कोई आदमी अपना मित्र है कहीं गांव गया है तो अपन कहते हैं ना कि आजकल कहां गया, दिखता नहीं है, ऐसा नहीं कि मर गया चला गया, नहीं, तो नष्ट होना नहीं है, होता तो है
परंतु दिखता नहीं है। तो ध्यान में रखना यह प्रश्न अपन को पूछा गया था, ठीक है, कि लोप शब्द का अर्थ क्या है, तो अदर्शनम लोप है, यानी जो दिखाई नहीं देता है, न दर्शनम इति, यानी जो दिखता, जो दिखाई नहीं देता है वह क्या है मित्रों, लोप। तो ध्यान में आया आपको ये जो प्रश्न बन रहे हैं, एक बार पुनः अपन इनको रिपीट कर लेते हैं। देखो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान में रखना अपन को, ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं अपन को, माहेश्वरी सूत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 14 है, और संस्कृत में कहेंगे मित्रों क्या, चतुर्दश, 4 और 10। फिर भगवान महेश के द्वारा प्राप्त होने के कारण, अर्थात शिव या महेश से प्राप्त हुए, इसलिए इनका नाम क्या है मित्रों, माहेश्वरी सूत्र। फिर नंदीकेश्वर काशिकावृत्ति ग्रंथ में लिखा है कि भगवान शंकर ने नृत्य की समाप्ति पर, नृत्य करने के पश्चात डमरू को 14 बार बजाया, और 14 ही बार बजाने से उनसे 14 सूत्र निकले, वो सूत्र कहलाते अपने क्या, माहेश्वरी सूत्र। फिर मित्रों अपन ने पढ़ा कि पाणिनि ने भगवान शिव के आशीर्वाद से किन्होंने प्राप्त किया था, पाणिनि ने तो प्राप्त किया था, आराधना पाणिनि ने की थी शिव की, तो पाणिनि ने भगवान शिव के आशीर्वाद से ये सूत्र प्राप्त किए थे, ठीक है। फिर माहेश्वरी सूत्रों को शिव सूत्र जालम, यानी शिव के सूत्रों का जाल शिव से प्राप्त हुए। वर्ण समन्वय, वर्ण अक्षर, यानी कि इसमें सारे वर्णों का समावेश है, स्वर भी है, व्यंजन भी है, पढ़ा ना अपने वर्णमाला पूरी, इसलिए इनका नाम क्या है, वर्ण समन्वय या फिर अक्षर समन्वय, ठीक है मित्रों। फिर माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम इत्संज्ञक वर्ण शिव से प्राप्त नहीं हुए थे, यानी कि अपन जो अंतिम वर्णों की बात करें, इत्संज्ञक वर्ण जो लोप हो रहे हैं, वो माहेश्वरी सूत्र जो है प्राप्त हुए थे, उनके साथ नहीं हुए थे, बाद में इनको पाणिनि ने जोड़ा है, किन्होंने जोड़ा मित्रों, पाणिनि ने, किसके लिए, तो प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो प्रत्याहारों का निर्माण ही नहीं होता, तो प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए किन्होंने जोड़ा मित्रों, पाणिनि ने, ठीक है। फिर माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम वर्णों की संज्ञा होती है, एक हलंत्यम सूत्र है अपने, जो संज्ञा होती है संज्ञा 6 सूत्रों से होती है, इतना अपना लेवल है नहीं है, तो हलंत्यम सूत्र यानी अंतिम जो हलवर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है, पढ़ेंगे बाद में अपन। तो इत संज्ञा का मतलब क्या है, लोप, और लोप का मतलब क्या, यह प्रश्न अपन से पूछा था, ध्यान में रखना है, अदर्शनम लोप है, होता तो है परंतु दिखता नहीं है, ऐसा क्या है मित्रों, लोप, ठीक है मित्रों। तो अपन बात कर रहे हैं कि प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए, प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए अंतिम वर्ण जोड़ा, तो मित्रों कुल प्रत्याहारों की, कुल प्रत्याहारों की संख्या, कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 द्वि तत्व रिंसत, द्विचत्वारिंशत, ऐसे हिंदी में याद करना, 42 द्विचत्वारिंशत, चत्वारिंश का मतलब 40 और 2 42। तो यह प्रश्न रहेगा मित्र अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो याद रखना है कि पूछ सकता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न अपने मित्रों, है ना। तो संस्कृत में कुल प्रत्याहारों की संख्या है तो कितनी है, 42। तो ध्यान में रखना है, पूछ सकता है कति प्रत्याहारः सन्ति, कितने प्रत्याहार है, अपन बाबा बात कर रहे हैं ना कि प्रत्याहार, अज प्रत्याहार, इक, यण, ये ऐसे, तो ऐसे कुल कितने प्रत्याहार होते हैं संस्कृत में, तो मित्रों कितने हो जाएंगे अपने, 42, ठीक है। तो प्रत्याहारः सन्ति द्विचत्वारिंशत्, यानी 42 प्रत्याहार होते हैं, ये प्रश्न रहेगा अपने लिए महत्वपूर्ण। परंतु मित्रों क्या हुआ कि ये तो बात कहता अपने अष्टाध्याय में है, किसमें है ये, अष्टाध्याय किन्होंने लिखी, पाणिनि ने, पढ़ा अपने फर्स्ट में, तो अष्टाध्याय में 42 प्रत्याहारों का क्या है मित्रों, उल्लेख है, एक बार देखना इसमें, यानी कि अष्टाध्याय में भी पहले 41 प्रत्याहार ही थे, कितने थे मित्रों, सर्वप्रथम अष्टाध्याय में 41 प्रत्याहार थे, ठीक है। फिर बाद में एक रह प्रत्याहार और जोड़ा,
एक र जिसमें र और ल, ठीक है मित्रों। तो इस प्रत्यार को और ऐड कर दिया तो इस प्रकार प्रत्यारों की संख्या कितनी होगी अपने 42, ठीक है। परंतु बाद में जो नवीन विद्वान हुए तो नवीन विद्वानों ने प्रत्याहारों की संख्या 44 भी मानी है। कितनी मानी मित्रों? 44। यानी अब अपन ये मान रहे हैं कि 42 होते हैं कि 44 होते हैं। कहीं कहीं अपन पुस्तकों में पढ़ते हैं तो कहीं मिलेंगे अपन को 44, कहीं मिलेंगे अपन को 42। तो मूलतः क्या है? तो कहने का मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। अष्टाध्यायी अपना प्रमाणिक ग्रंथ है, इसमें अपन को ध्यान में रखना है 42 ही है, ठीक है। तो इसका भी अपन कर लेते हैं, एक बार में लिख देता हूं। नवीन विद्वानों ने प्रत्याहारों की संख्या 44 भी मानी है। नवीन विद्वानों ने प्रत्याहारों की संख्या 44 भी मानी है। तो मित्रों अब अपने मन में यह संशय हो रहा होगा कि जब अपन को प्रत्याहारों के बारे में पूछा जाएगा तो अपन को कौन सा उत्तर सही करना है। तो मित्रों ध्यान में रखना आपको कि अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या है और अगर विकल्प में 44 भी है, 42 भी है, 14 है और 36 है, ठीक है मित्रों। अगर पूछा जाए कि प्रत्याहारों की संख्या है, ऐसे तो 42-44 साथ में आएंगे नहीं, फिर भी आ गया तो अपन को 42 ही सही करना है, 44 नहीं करना है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है 42 अथवा 44 दोनों होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि यदि 42 विकल्प में नहीं हो, यानी अपन से पूछा है कि प्रत्यारोह की संख्या, तो 44, 14, 36 या 13, यानी कि यदि 42 विकल्प में नहीं हो तो फिर प्रत्यारोह की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों? 44। तो ध्यान में आ गया होगा आपको, अपन को मूल ध्यान रखना है प्रत्यार है कितने, 42, किसके अनुसार? अष्टाध्यायी के अनुसार, प्रमाणिक यही है। यदि 42 विकल्प में नहीं हो तो फिर मित्रों अपने प्रत्यारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44, ठीक है, क्लियर। यानी कि अपने संस्कृत में प्रत्यारों की संख्या कितनी? 42। नवीन विद्वानों ने दो प्रत्याहार और जोड़ दिए, यानी एक तो है, ऐसे अपने को पूछा जाता नहीं है, एक है आपके चय प्रत्यार और एक है आपके यम प्रत्यार। यानी सबसे पहले अष्टाध्याय में 41 ही थे, फिर रे को और जोड़ा, ठीक है, 42 हो गए, मूलतः 42। नवीन विद्वानों ने दो को और जोड़ दिया, चय और यम प्रत्यार, और प्रत्यारों की संख्या कर कितनी थी मित्रों? 44। तो ठीक है, ध्यान में हो गया आपको। तो अपन को ध्यान में रखना है अपने प्रत्याहारों की संख्या कुल कितनी है मित्रों? 42, ठीक। देखिए मित्रों एक बार जल्दी से अपन देख लेते हैं सारा। यहां से जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में ध्यान में करना है। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है, यानी प्रत्यारों की संख्या कितनी कुल, सॉरी अपने देखो ध्यान में करना है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या पूछे तो 14 और प्रत्यारों की संख्या 42, दोनों में संशय नहीं होना चाहिए। माहेश्वर सूत्र तो कितने मित्रों? माहेश्वर सूत्र कितने अपने? 14 है, और प्रत्यार कितने हैं? 42। याद रखना दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 42, भगवान महेश के द्वारा प्राप्त होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा है। नंदीकेश्वर काशिकावर्ती में लिखा है कि भगवान शंकर ने नृत्य की समाप्ति पर 14 बार डमरू बजाया और 14 ही बार डमरू बजाने से 14 सूत्र निकले जो क्या कहलाए? अपने माहेश्वरी सूत्र, ठीक है मित्रों। उसके बाद पाणिनि ने भगवान शिव के आशीर्वाद से सूत्र प्राप्त किए थे, है ना, इन सूत्रों को शिव सूत्र जाल, वर्ण समन्वय या फिर अक्षर समन्वय भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? इच्छंज्ञक। इच्छंज्ञक का मतलब लोप, और लोप शब्द का अर्थ क्या होता है? अदर्शनम लोप है, ठीक है। फिर क्या हुआ,
कुल प्रत्यारोह की संख्या, तो प्रत्यारोह की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों, 42, और नवीन विद्वानों ने दो और माने तो 44। तो यहां से केवल दो प्रश्न याद रखने हैं, महेश सूत्र कितने हैं 14, प्रत्यारोह कितने हैं 42, विकल्प में 42 नहीं हो तो 44, और अंतिम वर्णों की इत्संज्ञा, इत्संज्ञा का मतलब लोप, और लोप का मतलब मित्रों क्या हो जाएगा, अदर्शनम लोप है। तो मित्रों आज की कक्षा के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।